वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। देखो पहले तो 15 किलोमीटर था बॉर्डर का जो एरिया था, 15 किलोमीटर जो BASF दे रही थी, हूँ उन्होंने बढ़ा के 15 से 50 किलोमीटर कर दिया। ये तो स्टेटों का राइट है, ये तो स्टेटों की पावर अपने पास सेंटर रखना चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए और ये ठीक नहीं है। स्टेटों का काम स्टेटों को करना देना चाहिए और सेंटर का काम सेंटर देखे अपना। तो जो ये डिसीजन हुआ है 50 किलोमीटर का, इस पर फिर दोबारा सेंटर सरकार को रिव्यू करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कहना है कि ये केंद्र की सही कार्रवाई है। देखो उनकी अपनी सोच है, कैप्टन साहब की, हमारे नए जो CM है उन्होंने रिव्यू करने के लिए बोला है, सेंटर सरकार को रिक्वेस्ट किया है। सो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। इन दीज टू बॉर्डर्स विद इन बांग्लादेश एंड द पाकिस्तान बॉर्डर वी सीन लॉट ऑफ इन्विटेशन वेड इन टर्म्स ऑफ ड्रोन और द अदर स्मगलिंग, सो द डिसीजन हैज बीन डन बिकॉज़ ऑफ दैट? नो, इट इज नॉट बिकॉज़ ऑफ दैट, इट इज इन जनरल बिकॉज़ द बॉर्डर इज सेंसिटिव फॉर अस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी, देयरफॉर इट्स नॉट जस्ट द वेस्टर्न बॉर्डर बट ऑल्सो द ईस्टर्न बॉर्डर, सो वी आर सेंसिटिव अबाउट दैट। And I would say it's just a mix of all the idea is basically to curb all transborder crimes. Sir, what will the coordination with the local police? There's a lot of questions over it. We already work in close coordination with the local police. We have monthly meetings, we have several coordination meetings, we have a system of border security grid in which the local police is an important and integral part of that. So we always work in coordination with it. The same level of coordination and cooperation will continue with the local police. Sir, and it will in fact strengthen their hands as far as policing is concerned. Sir, you have mentioned three laws which have been extended to these. Yes. Yes. So yeah. What are the three laws? One is the CRPC, the other is the Passport Entry into India Act, the third is the Passport Act. Only with respect to these three acts, the territorial jurisdiction of BSF has been increased as far as NDPS Act is concerned, Arms Act is concerned and Customs Act is concerned. The jurisdiction remains the same as before.